बिल्ली के बारे में वो बातें जो हर इंसान को जीवन में जाननी चाहिए। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए, चाहे आपके पास बिल्ली हो या बिल्ली आपके जीवन में थोड़ा भी मायने रखती है। मुझे लगता है कि आप यह पहली बार सुन रहे हैं, बिल्ली का बच्चा खरीदने की सही उम्र। बिल्लियों की उम्र इंसानों से अलग होती है, क्या आप जानते हैं? वन मानव वर्ष लगभग 3 बिल्ली वर्षों के बराबर होता है। बिल्ली का बच्चा घर लाने की सही उम्र 40 से 160 के बीच है। अगर आप 40 दिन से कम उम्र के बिल्ली के बच्चे को गोद लेते हैं तो आपको उसे 60 दिन पहुंचने तक दूध के बदले मिल्क रिप्लेसर पिलाना चाहिए। अगला पॉइंट भी ही आपको चौंका देगा। लगभग 13 साल तक बिल्लियों के साथ रहने के बाद मैं इसका आंसर दे रहा हूं। सबसे पहले बिस्तर जैसी चीजें खरीदने में अपना पैसा बर्बाद न करें, बल्कि स्क्रैच पैड खरीदें जो कि बेसिक है। डिस्पोजेबल बर्तनों का उपयोग करें क्योंकि बिल्लियां कुत्तों या अन्य की तुलना में बहुत साफ जानवर हैं। जानवर वे भोजन और लिटर बॉक्स के मामले में बहुत सिलेक्टिव होते हैं। रेगुलर कैट फूड खरीदें जो बिल्ली पहले से खा रही है। बड़ा लिटर बॉक्स न खरीदें बल्कि लिटर बॉक्स लेकिन कई लिटर बॉक्स खरीदें। एक रिसर्च के अनुसार 1 बिल्ली को 1.5 लिटर बॉक्स की जरूरत होती है। अगर आपके पास 2 बिल्लियां हैं तो आपको 3 लिटर बॉक्स उपलब्ध कराने चाहिए। नए बिल्ली के बच्चे के लिए करेक्ट डाइट प्लान। बिल्ली के बच्चे के डाइट में अचानक बदलाव न करें। कम से कम 8 दिनों तक बिल्ली का बच्चा जो भोजन खा रहा था उसे जारी रखें। 2 दिनों में 20-80 रेशियो में धीरे धीरे नए भोजन पर स्विच करें। लूज स्टूल्स की निगरानी करें, यदि वे होते हैं तो पिछले कैट फूड पर वापस लौटें और 8 दिनों के बाद फिर से कोशिश करें। जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिल्ली के डाइट में तुरंत बदलाव न करें। नई बिल्ली को किसी पुरानी बिल्ली से मिलवाना। तुरंत आमने सामने के परिचय से बचें। पहली मुलाकात से पहले पुरानी बिल्ली की सेंट को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल करें। शुरुआत में उन्हें अलग अलग जगहों पर रखें और इसमें 3 से 8 दिन लग सकते हैं उन्हें एक दूसरे को एडजस्ट करने के लिए। 2 मेल बिल्लियों को पेश करते समय सावधान रहें। जेंडर डायनामिक्स की गतिशीलता फाइट का कारण बन सकती है। बिल्लियों और बिल्ली के बच्चे के लिए दूध भारत में बहुत बड़ी मानसिकता है कि सांपों और बिल्लियों का पसंदीदा भोजन दूध है। नहीं, यह पूरी तरह से गलत है। सांप और बिल्लियां दूध को डाइजेस्ट नहीं सकते हैं, बल्कि वे निमोनिया से पीड़ित हो सकते हैं और लूज स्टूल्स और उल्टी में समाप्त हो सकते हैं, इसलिए उन्हें दूध न दें। हर समय ताजा पानी फीड करें। इसलिए याद रखें, अपने बिल्ली के बच्चे के लिए सही उम्र चुनना, अपना घर तैयार करना, उचित आहार सुनिश्चित करना और बिल्लियों को सावधानी पूर्वक पेश करना आपके प्यारे दोस्तों के लिए एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपके बिल्ली साथियों के साथ आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं।